दोस्तों अगर आप भी जडेजा को एक बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों इंग्लैंड की टीम के खिलाफ जडेजा का तूफान कुछ इस कदर आया कि देखकर इंग्लैंड की टीम के तो होश ही उड़ गए थे, और जडेजा की बल्लेबाजी को देखकर किस तरीके से खड़े होकर तालियां बजाई स्टैंड्स में भारतीय क्रिकेट टीम के सभी खिलाड़ियों व कोच शास्त्री ने, वो सब तो आपको बताएंगे ही, साथ ही बताएंगे कैसे जडेजा ने इंग्लैंड की टीम की अकेले शामत लगा दी। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, जडेजा और हार्दिक पांड्या में कौन एक बेहतरीन ऑलराउंडर है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों इंग्लैंड की टीम के खिलाफ तीसरे दिन के खेल में जब भारतीय क्रिकेट टीम के सभी खिलाड़ी हार मान चुके थे, अपना विकेट गंवा चुके थे, तब उसी टाइम जडेजा ने ऐसी बल्लेबाजी करी कि सब उनके फैन हो गए हैं। आपको बता दें कि जो पहला टेस्ट मैच भारत और इंग्लैंड के बीच चल रहा है, उसके पहले दिन के खेल में तो भारतीय क्रिकेट टीम पूरी तरीके से हावी रही अपनी गेंदबाजी के दम पर। लेकिन जैसे ही 183 पर इंग्लैंड को ऑल आउट करने के बाद भारत की बल्लेबाजी आई तो रोहित और केएल राहुल के अलावा कोई और खिलाड़ी कुछ खास नहीं कर सका। दोस्तों जैसे ही दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो राहुल तो मैदान पर सेट हो चुके थे, लेकिन रोहित के 32 रन पर आउट होने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम एक के बाद एक बिखरती चली गई। विराट कोहली हो, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे और यहाँ तक कि ऋषभ पंत ही क्यों ना हो, कोई भी केएल राहुल का प्रॉपर तरीके से साथ नहीं दे पाया। पंत ने कोशिश जरूर करी लेकिन 19 गेंदों में 25 रन ही लगा पाए, लेकिन जडेजा राहुल के साथ मैदान पर टिके रहे। दोस्तों आपको बता दें कि केएल राहुल के साथ मिलकर जडेजा ने भारतीय क्रिकेट टीम को वो बढ़त दिलाई जिससे कि इंग्लैंड की टीम पर प्रेशर फिर से बन गया। इस बीच केएल राहुल भी 84 रन बनाकर एंडरसन का शिकार बन गए, लेकिन मजाल है कि जडेजा के माथे पर एक भी शिकन आई हो। दोस्तों बिना किसी गेंदबाज की परवाह किए बेबाक बल्लेबाजी करते चले गए जडेजा, और कुछ ऐसे चौके व छक्के जड़े जिन्हें देखकर भारतीय खिलाड़ियों ने अपनी कुर्सी पर खड़े होकर तालियां बजाई। आपको बता दें कि लगभग 90 के स्ट्राइक रेट से 86 गेंदों में 56 रन जड़ दिए थे जडेजा ने, और अपनी इसी तूफानी पारी में जडेजा ने 8 चौके तो वहीं एक छक्का भी लगाया था। मतलब कि 256 रनों की पारी में से लगभग 38 रन तो केवल बाउंड्री से जडेजा ने निकाले थे। इन्हीं चौके व छक्कों की पारी ने कहीं ना कहीं प्रेशर बना दिया था इंग्लैंड की टीम पर। दोस्तों जडेजा की पारी ही थी जो कि इंग्लैंड की टीम के खिलाफ भारत की लीड को 50 से ज्यादा रनों का बना गई, और राहुल के बाद कहना होगा कि जडेजा की पारी ने ही भारतीय क्रिकेट टीम को 234 के पार भी पहुंचा दिया था। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि आगे चलकर रॉबिन्सन की एक गेंद पर ड्राइव शॉट लगाने के चक्कर में मिड ऑफ पर एक शॉट खेल बैठे जडेजा, लेकिन वहां पर तैनात थे फील्डर स्टुअर्ट ब्रॉड जिन्होंने जडेजा के इस कैच को पकड़ा और इस मौके को नहीं जाने दिया, जिसके बाद जडेजा का विकेट 56 रनों पर गिर गया। लेकिन दोस्तों जडेजा ने अपनी इस बल्लेबाजी से न सिर्फ अपने कमबैक को घोषित किया है बल्कि सबको यह भी बता दिया है कि वह भारतीय क्रिकेट टीम में होना क्यों डिजर्व करते हैं। जडेजा इस समय भारतीय क्रिकेट टीम के ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर्स में से एक हैं। लेकिन दोस्तों जडेजा की फिटनेस और उनकी इसी शानदार बल्लेबाजी को आज आप 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी सभी ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।